सोलाराही सेक्टर एक स्थित श्याम मंदिर में बीती शाम भजन कीर्तन व भंडारे का आयोजन हुआ। यह आयोजन श्री श्याम दीवाना मंडल के सदस्यों द्वारा आयोजित करवाया गया। हर महीने की नवमी को यह आयोजन करवाया जाता है। इस आयोजन में CJM मोहित अग्रवाल व नगर परिषद के EO मनोज कुमार ने शिरकत की। वहीं युवा नेता प्रशांत सन्नी यादव भी श्याम बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचे। श्याम जी के दर्शनों के उपरांत सन्नी यादव लोगों से रूबरू होते हुए बोले कि सोलाराही तालाब के लिए मैं तन मन धन से सहयोग करूंगा। जब भी श्याम दीवाना मंडल मेरे जरूरत पड़ेगी मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। रेवाड़ी शहर के लिए रेवाड़ी शहर का सोलाराही तालाब का जीर्णोद्धार श्री श्याम दीवाना मंडल द्वारा भव्य रूप से किया जाएगा। बड़ी ही सुंदर लाइटिंग, पानी भरा जाएगा इसके अंदर और नावें चलाई जाएंगी और सभी भक्तों से अनुरोध है फिर से अपना खाते और सोलाराही तालाब का एक दर्शनीय स्थल के रूप में आनंद लें। फिर रखना तार की जय। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गो, माता शक्ति माता, बहनों, नौजवान, देश के नौजवान साथियों, प्यारे मेरे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और जैसा प्रधान जी बता रहे थे इन्होंने सोलाराही में जो तालाब का निर्माण करने का लक्ष्य लिया है, मैं तो आप सबसे भी विनती करता हूं और मैं भी इनको आश्वस्त करता हूं इस निर्माण कार्य में हमसे जो बढ़ पाएगा मैं इस कमेटी का भरपूर सहयोग करूंगा, तन मन और धन से सहयोग करूंगा। और इस मंच के माध्यम से बाबा श्याम से प्रार्थना करता हूं कि यहां उपस्थित सब भक्तजनों का परमात्मा हर मनोकामना पूर्ण करे। बाबा श्याम आपके घर में ढेरों खुशियां लाए, आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, इस प्रकार की कामना इस मंच के माध्यम से श्याम प्यारे से करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और श्याम दीवाना मंडल का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया, आप लोगों से रूबरू होने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद। आप सभी एक बार फिर साथ जोरदार श्याम प्यारे की जय का।